कोई और दूसरा ऑफिसर नहीं है क्या? सर एक ऑफिसर है सर। कौन है वो? यूथ के लिए यूथ। हाँ जवानों का मसीहा है सर। मुंशी साफ साफ बताओ कौन है वो? हाल ही में क्राइम ब्रांच ड्यूटी ज्वाइन करने वाला सब इंस्पेक्टर सुभाष। वो अभी 4 दिन हुए उसे ड्यूटी ज्वाइन किए, वो सब संभाल लेगा क्या? बिल्कुल सर। ठीक है बुला लो उसे। ए, ले मुझे दो। देर शांत हो जाओ, हम सब बात करके मसले को सुलझा सकते हैं। हमने शांतिपूर्वक बात की थी लेकिन कोई हल नहीं निकला, इसलिए आज संघर्ष कर रहे हैं। अगर संघर्ष से मसले सुलझ सकते हैं तो संघर्ष करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष वो हो जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। जनता और आने वाली पीढ़ी को कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने यहाँ धरना दिया है। आप लोगों की परेशानी क्या है? हमारे कॉलेज के सामने ये वाइन शॉप है, इसे कहीं और शिफ्ट करवा दीजिए। इन शराबियों की वजह से हम लड़कियों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है सर। हमने कई बार कंप्लेंट की है सर लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक फैसला नहीं है तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमारे जलने के बाद ही आप फैसला करेंगे तो हम खुद को जला लेते हैं। कौन बोला बे? किसने कहा मैं खुद को जला लूंगा? मैंने कहा। तूने कहा ना इस तरह खुद को मत जला। जलाना ही है तो ये वाइन शॉप जला दे। वेरी नाइस। अब सर ने बोल दिया ना, अब जाओ और अपना काम शुरू करो। जाओ, मैंने जाओ। बोल दिया ना। हाँ अब जाओ। कह रहे हो? जाओ। ये क्या किया तुमने? तुम पुलिस ट्रेनिंग लेकर आए थे या किसी कंपनी में काम करके? क्यों किया तुमने? पूरी दुकान का तुमने सत्यानाश करवा दिया। तुम वहाँ स्टूडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए गए थे क्या? 4 लोगों को पकड़कर बल प्रयोग करते तो सारी भीड़ भाग जाती, कोई नहीं दिखता वहाँ। लाठी उठाने के डर से भागने वाली भीड़ नहीं थी वो, क्वार्टर देकर किसी राजनेता की बुलाई भीड़ भी नहीं थी जो मेरे डर से भाग जाती। स्टूडेंट्स थे वो, भागने वाले नहीं थे सर। आज संडे है और छुट्टी के दिन आम आदमी को परेशानी ना हो इसलिए नारेबाजी कर रहे थे। वो फ्यूचर के IAS और IPS हैं सर, इनमें से ही कोई देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो सकता है। स्टूडेंट लोगों ने जो किया है ना उससे अच्छा वो जलकर मर जाते हैं। जलकर मरना गलत भी है और जुर्म भी, इसीलिए मैंने उन्हें रोका। अभी नई नई वर्दी पहनी है ना इसीलिए बात करने का तरीका नहीं पता। कुछ दिनों में I am क्राइम ब्रांच SI सुभाष। बात क्या है? रेड बिल्डिंग मर्डर केस के बारे में आपसे पूछताछ करनी है। तो तू उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है पर हमने तो कहा था कि उसे क्लोज कर दो। फिर यहाँ क्यों आए हो? ओके मैं समझ गया, कुछ खटपट चाहिए क्या? 3 वक्त का खाना, खुद का एक घर, शादी, मस्ती, फिर बच्चे, एक आम इंसान की यही जिंदगी होती है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर हैं, हमारी लाइफ स्टाइल देखोगे। लो इंजॉय। अगर वो ओके कहती और मान जाती तो हमें ये करने की क्या जरूरत पड़ती? बेवकूफ लड़की। दूसरा वाला भी देख ले, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या बात है, बड़े ध्यान से देख रहे हो, मूड बन रहा है क्या? किस पे हाथ उठाया तू जानता है? तुझे पता है हम लोगों का बाप कौन है?
तुम अमीर लोगों को अपने बाप का पता नहीं होता है क्या? जब देखो पता है मेरा बाप कौन है, पता है मेरा बाप कौन है। अच्छा सुन, अगर तू इस केस से बच गया ना तो मेरे पास आके कंप्लेन दर्ज करवा देना, तेरा बाप ढूंढ दूंगा। अभी चुपचाप मेरे साथ स्टेशन चल। क्या बोला तूने? बाहर आने दे, फिर देखना। क्या बोला तू? बाहर आएगा? सेक्शन 376D and 302 नॉन अवेलेबल, मतलब तुम सबको 20 सालों तक जेल का ही खाना खाना है। क्या कहा तूने? हम लोग 20 साल जेल का खाना खाएंगे? अगर तुझ में दम है ना तो सिर्फ 20 मिनट्स हमें लॉकअप के अंदर बंद करके दिखा। ये क्या किया तूने? और इस तरह इन्हें अंदर क्यों किया? बिल्डिंग बोला था ना तो इस केस पर काम नहीं कर रहा है। सर यही एक मर्डर केस नहीं है, वहाँ जितने सुसाइड्स हुए हैं उनका मर्डर इन्होंने किया है और मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। सर पागलों की तरह बातें मत करो। अब सर स्टेशन के इंस्पेक्टर तुम हो या ये? नहीं सर, जाने दीजिए, मैंने बता दिया इसे। किस बेस पर तुमने इन्हें अरेस्ट किया है? इनके माँ बाप सोसाइटी में कितने बड़े लोग हैं जानते हो तुम? और जरा उस वीडियो प्रूफ को दिखाओ। यस सर। सर पासवर्ड 4455 ब्रो। सर सर ये ऑटो डिलीट हो गया सर। एविडेंस सर, मैंने खुद देखा है सर। आई सेड एविडेंस। एक कातिल गुनाकार अपने गुनाह का सबूत अपने ही फोन पर रखता है क्या? Idiot. होते हुए मेरे बेटे को अंदर का रखा है। सर ये सब एक गलतफहमी की वजह से। मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, ये बात तुम भूल गए। और इसने मेरे बेटे को पीटा भी और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। मैं होम मिनिस्टर को बताऊं या सीएम से बात करूं? जल्दी से बच्चों को बाहर करो। उन्हें रिलीज कर दो। सर आई कैन स्टिल प्रूव इट। सर इट्स एन ऑर्डर।
इसे सस्पेंड कर दो। यू आर सस्पेंडेड। तुम्हें तो डिसमिस कर देना चाहिए बेवकूफ। He said 20 minutes, but just 50 minutes, bro. कुछ हासिल हुआ तुम्हें? तुझे बहुत चर्बी चढ़ी थी ना बेटा, अब तो गया। आज के इस दिन को तूने मेरी लाइफ में यादगार बना दिया है। अब तेरी जिंदगी के हर एक दिन को मैं यादगार बनाऊंगा। काम कर रहे थे चलो अंदर आ जाओ। बताओ हम ये कहाँ आ गए? वन टू थ्री थ्री। वाह कितना सुंदर। अरे रे रे रे। जाओ 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 जाओ।
गणपति सोसाइटी में एक इनका ही बंगला है, तो इसलिए आसपास वालों को जल्दी पता नहीं चला और वो लोग चलकर मर गए। सर, जैसा मीडिया में आपने बयान दिया वैसे मेरी फैमिली जलकर नहीं मरी है सर, उनका मर्डर किया गया है सर, और वो क्रिमिनल्स कौन है ये भी मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन एविडेंस? एविडेंस सर, आई कैन प्रूव इट सर। जो लोग मर्डर कर सकते हैं उन्हें एविडेंस में डालना नहीं आता क्या? ये केस अखबार की ब्रेकिंग न्यूज की तरह है, बस जब तक जिंदा है अपनी जिंदगी जी ले, नहीं तो तुम भी उन लोगों की तरह ब्रेकिंग न्यूज में आ जाओगे और फेमस हो जाओगे। डबल फाइव नंबर प्लेट चाहिए। यस सर। गाड़ी अच्छी है ना? एक कहावत है, जब दुनिया चलती है तो हमें उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, अगर अकेले दौड़ना चाहोगे तो गायब हो जाओगे। चला जा। थैंक्स फॉर द कार, वेलकम। रुक, एक इंसान को एक ही बार मारना चाहिए। जाओ। चिल ब्रो। जाओ, जितना कहा था अगर उतना करते तो तुम्हें ये सब झेलने नहीं पड़ता। ओ, लेट हो गया क्या? आओ बैठो। हमेशा की तरह क्या करें। जी, प्रॉपर अपोलोजाइज लेटर लेकर आ जा, उसी स्टेशन में तेरी पोस्टिंग करवा देता हूँ, और आइंदा इनको डिस्टर्ब मत करना, समझे? जाओ। हाँ, गाड़ी बहुत अच्छी थी, पसंद आई। ए शिवा, उस घर में एक नन्ही जान को क्यों जिंदा छोड़ दिया बता दे इसे। तुझे और उस बच्ची को इसने जिंदा छोड़ रखा है कि सबको खोने के बाद तेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं रहती, इसीलिए उसे जिंदा छोड़ा ताकि तेरे पास वजह बनी रहे। तू हमारी बात ठीक से समझ ले, जो बच्ची तेरे पास पल रही है वो कल की पार्वती है। गेट लॉस्ट। पुलिस स्टेशन को मैं हमेशा मंदिर समझता था, तो जैसे लोगों ने इसे कोठा बना दिया है, फिर भी लोगों को पुलिस पर विश्वास है, सोचते हैं भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। मरना होगा, जिन लोगों ने गुनाह किया उन सबको मरना होगा, उन्हें मैं नहीं मारूंगा, उनके माँ बाप ने उनकी जो परवरिश की है ना उसकी वजह से वो मरेंगे। तुझे डाउट हो रहा है कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? एक सैंपल दिखा दूं तुझे, सिर्फ 5 सेकंड में वो कलेक्टर तुझे ढूंढता हुआ आएगा और कहेगा कि उसके बच्चे गायब हो गए। काउंट शुरू कर दे। 1, 2, 3। जैसी सर, गुड लक। सुभाष, मेरा बेटा कहाँ है? सर, लेकिन आपका बेटा यहाँ। क्या बकवास कर रहे हो, मुझे थाने से मैसेज आया। मेरा बेटा, ये तो इसी पुलिस स्टेशन की पार्किंग है। अरे मेरे बेटे को बचाओ। ओह गॉड, बेटा भुवन, भुवन, ए बेटा भुवन, भुवन, गाड़ी चलाओ। अरे आग बुझाओ बेटा, ये आग बुझाओ, ये आग बुझाओ, तुम लोग जल्दी से जाओ। अरे मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। सर 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 प्लीज, मेरे बेटे को बचाओ, आग बुझाओ, जल्दी से आग बुझाओ, मेरे बच्चे। प्लीज सर।
क्या कर रहा है? ए छोड़ 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 मुझे छोड़। ए क्या कर रहा है? प्लीज 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 मुझे छोड़ दे। प्लीज प्लीज देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे। नहीं 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 प्लीज 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 छोड़ दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। एक घंटे का वक्त दे रहा हूं तुझे, तेरा दोस्त क्रिस्टी मुझे यहां खड़ा चाहिए। वो यहां तक कैसे आएगा या तू उसे कैसे लाएगा, ये तू सोच। कोई चांस नहीं है, कुछ भी कर मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। तो फिर तू मेरे किसी काम का नहीं। अगर मैं इस कार को रिवर्स लेकर आऊंगा तो तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो देखने के लिए तो वहां जाएगा ना। प्लीज नो, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कर। मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज। ए दीपक किधर है तू? तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी जगह देखी है, तू भी वहाँ आ जा और पुलिस वालों को बिल्कुल ना बताना। क्योंकि सुभाष पुलिस वालों को ट्रेस कर रहा है, हम लोग वहाँ सेफ रहेंगे यार। बस तू आ जा यार, और जल्दी आ जा। किसी से डिस्कस मत करना, जस्ट फॉलो द लोकेशन। ओके यार। चलो चलो जाओ।
बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बताओ उसे कहाँ छुपा के रखा है? दोनों डिसाइड कर लो कि पहले मुझे किसके लड़के के बारे में बताना है, तुम्हारे मैं एक नंबर देता हूँ ठीक है, जिसका कॉल पहले लगा उसके बेटे के बारे में पहले बताऊंगा। 9952012 98। अरे ये तो सिर्फ 9 डिजिट है। 10वां डिजिट आप खुद ढूंढो। हेलो दीपक। डैडी बात कर रहा हूँ। क्या रे तू मेरा डैडी है क्या? तेरे को तो अपन बचपन से ढूंढ रहे हैं, हैं? तेरा पता बोल, अपन वहीं पे आएगा अभी आएगा। शिट, रॉन्ग नंबर। क्रिस्टी। हेलो। क्रिस्टी। सामने आकर बात करना। क्या क्रिस्टी, क्रिस्टी करके फोन कर। हेलो क्रिस्टी। हे बेटा किधर है? अरे मुझे बचा लो। हे वेयर इज माय सन? क्रिस्टी मैं हूँ। ही इज द विनर। क्रिस्टी फर्स्ट। क्रिस्टी लाइए मुझे फोन दीजिए, मुझे फोन दीजिए पहले। हेलो क्रिस्टी बेटा किधर हो? अंकल। क्रिस्टी हे डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। अंकल सुभाष ने मुझे किडनैप किया है। देखो पहले मुझे लोकेशन बताओ। हे क्रिस्टी फोन इनको दे। क्रिस्टी डैड, डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम डरो मत, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। उसे कहो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। बेटा मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। यहाँ तो बहुत अंधेरा है डैड। उसे दो बार क्लैप करने के लिए कहो। तुम दो बार क्लैप करो बेटा। क्लैप। डैड लाइट जल गई डैड। अरे उससे पूछो दीपक वहाँ पे है। पूछो ना उससे, पूछो ना दीपक है क्या वहाँ पे। वहाँ पर एक रेड कलर का बैग होगा, उसे उठाकर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करने के लिए कहो। ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। वहाँ एक रेड कलर का बैग है क्या? हाँ डैड। उसे उठा लो। डोर नंबर लॉक है डैड। नंबर लॉक है? उसी का कोड है 4455। 4455। डोर ओपन हो गया डैड। बेटा तुम बाहर आ गए क्या? हाँ डैड मैं बाहर आ गया। उससे कहो तुरंत एयरपोर्ट चला जाए, वहाँ उसे मेरी एक दोस्त अनीता मिलेगी। उसे कहो जब तक मैं ना कहूँ फोन ना काटे। तुम एयरपोर्ट पे जाओ। ठीक है। गोपी तुम यहीं ठहरो, यहाँ से जाने वाली हर फ्लाइट को चेक करो और पता करो कि अनीता नाम की लड़की ने किस फ्लाइट पे टिकट बुक की है। ओके सर। एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए बेटा, कहाँ पे हो तुम अभी? मैं गेट नंबर 3 पर हूँ डैड। गेट नंबर 1 पर जाओ। मैं गेट नंबर 1 के पास आ गया। उस बैग के अंदर पासपोर्ट, आईडी कार्ड, टिकट वगैरह सब कुछ है। उसे कहो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाए और अंदर चला जाए। उस बैग के अंदर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह और टिकट है, उसे सिक्योरिटी को दिखाओ और अंदर जाओ। मैं अंदर आ गया डैडी। अभी वो अंदर चला गया। चेक इन काउंटर पर अनीता का इंतजार करने के लिए कहो, जैसे ही वो आए उसे बैग दे दो और बिना पलटे वहां से चले जाओ। उससे कहो जो कहा है वैसा करे। तुम अंदर पहुंच गए क्या? यस डैडी। देखो तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है क्या? नो डैड। आसपास है पुलिस या पब्लिक है कोई? कोई नहीं है। सो यू आर सेफ। कुछ देर में हमारे आदमी वहां पहुंच जाएंगे। ओके डैड। मेरी बात सुनो। मुझे ब्लैकमेल करके मेरे बेटे को तू टॉर्चर कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जितना कह रहा हूं उतना करो। चुप कर। क्या सुनूं मैं तेरी बात? अब मेरा बेटा एयरपोर्ट पे सेफ है। डैड चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा मत छोड़ना। उसे वही खत्म कर दो। क्रिस्टी, क्रिस्टी ये कैसी आवाज है? ये बीप की साउंड कैसी है? क्रिस्टी, क्रिस्टी तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही? क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी ये आवाज कैसी है? क्रिस्टी, हे क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या हुआ? क्रिस्टी क्या हुआ? क्या हुआ? हे क्रिस्टी। हेलो टॉक टू मी क्रिस्टी। क्रिस्टी क्रिस्टी
क्रिस्टी! अभी-अभी खबर मिली है कि चेन्नई एयरपोर्ट पर एक शूटआउट हुआ है। नौजवान बंदूक और बम के साथ। मैंने कहा था ना, मेरी बात सुनो, अपने बच्चे को खुद ही मरवा दिया। अब क्या करें? जरा सब लोग मिलकर समझाओ इनको। जज ने तेरे ऊपर हाथ उठाने से मना किया, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे मारने के बाद उस केस को कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं। मैं तुझे एक घंटे की मोहलत देता हूं, अगर उसे बचा सकता है तो बचा ले। दीपक, दीपक सर, सर सर दीपक सर सर दीपक दीपक सर देखिए, इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है सर। तुम लोग साइबर क्राइम एक्सपर्ट हो, अगर तुम लोगों से ये सब नहीं हो पाएगा तो कौन ट्रेस करेगा? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सर, आप चाहें तो इलीगल हैकर्स को हायर कर सकते हैं। लीगल हो या इलीगल हो, उसे ट्रेस करो। I just want to trace him. सब लोग फटाफट काम पर लग जाओ। सर, हैकर्स। ओके, प्लीज टेक योर बैच। हर सेकंड में उसका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है सर। अगर आप लोग इस रेपिस्ट को सजा देना चाहते हैं तो ये बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अंकल, मैंने आपको एक गेम का लिंक भेजा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, शेयर कीजिए। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एक गेम का लिंक भेजा है, उसे डाउनलोड करो और शेयर कर लो, जिससे हमारी बेटी के कातिल को सजा मिलेगी। एक रेपिस्ट को सजा देने का मौका मिला हमें। मैं तुम्हें एक गेम भेज रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर देखो एक बार। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करो। ओह नो, व्हाट हैपेंड? लिंक्स बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं। आई डोंट थिंक सो दीस पीपल कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। जैसे चाहे कितना भी खर्च हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई कैन गेट समबडी फ्रॉम अब्रॉड टू डू दिस। आपको कॉमन सेंस नहीं है सर। एक्सक्यूज व्हाट? आपके बेटे के पास कौन सा गैस फिट है पता है आपको? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद पोटेशियम लाइट। जब तक आप बाहर से इंटरनेशनल हैकर्स को मंगवाएंगे, तब तक तो ये गैस आपकी बेटी की बॉडी को पिघलाकर खत्म कर चुकी होगी। अरे यार, ये गेम खेलने से गैस लीक होती जाएगी और जल्दी वो रेपिस्ट मर जाएगा। कई लड़कियों का रेप करके उनकी हत्या करने वाले इस रेपिस्ट को ऑनलाइन मारने का हमें मौका मिला है। चलो इसे खत्म कर देते हैं। ओह गॉड, लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है और गैस लीक होना शुरू हो गई है। अगर लोकेशन पता नहीं चल रही है तो उस वेबसाइट को तो ब्लॉक कर सकते हो ना तुम लोग। सर, उसका आईपी एड्रेस हर सेकंड बदलता जा रहा है, सिर्फ जो लोग इस गेम को लॉगिन कर रहे हैं उनका आईपी एड्रेस ही ट्रैक हो पा रहा है। अरे तुम टेक्निकल एक्सक्यूज दे रहे हो या फिर तुम्हें ढूंढना ही नहीं आ रहा है? सर, इसी टेक्नोलॉजी से उसने ये गेम बनाई है, हम उसे पकड़ भी नहीं सकते और ना ही उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये गेम किसी अकेले आदमी के लिए बनाना नामुमकिन है सर, जरूर कोई ना कोई है जो इस गेम में उसकी मदद कर रहा है। इसका मुंह कैसे खुलवाना है ये मैं जानता हूँ। इसकी बेवकूफी की वजह से आज तुम भी फंस गई। मैं कुछ नहीं जानती। गबे। ओके सर। मत मारिए उसे।
प्लीज। नहीं अनीता, मुझे किसी और से ज्यादा तुम्हारी जान की फिक्र है सुभाष। I'm sorry। नहीं नहीं अनीता, मेरी बात सुनो। अनीता रुको, मेरी दीपक कहाँ है पता करो और फिर मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। इसका क्या करना है मुझे पता है। अगर पूरी सिटी को हैक कर लिया तो ये कोई भी गेम नहीं खेल सकता ना। सर लॉगिन करने के बाद अगर सारे एक साथ लॉगआउट करेंगे तो ये गैस का चैम्बर फट जाएगा, ऐसी सेटिंग की गई है। एटलीस्ट ये तो पता करो इसमें इसकी कौन मदद कर रहा है। सर मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आई विल फाइंड हिम। बाप रे, ये तो बहुत भयानक जगह लग रही है। यही बिल्डिंग है ना? आओ आओ। पता नहीं कहाँ ले जा रही हैं। जल्दी आओ। लगता है पहुंच किस तरफ? इस तरफ या उस तरफ? बताओ किस तरफ। देखिए मैडम, साहब की सांसें फूल गईं। छह माले तक उन्हें सीढ़ी चढ़वा दिया। ये बातें ग्राउंड फ्लोर पे भी तो हो सकती है। बकवास बंद करो और जाओ। ओके सर। और तू बता कहाँ है वो? हाँ। ये सब गलत है, मैं ऐसे गेम नहीं खेलता। तेरी बहन के साथ होता तो तू बोलता क्या? ये सब करने की क्या जरूरत है? ये जाना अपना काम कर, चल। इस तरह के रेपिस्ट को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। बिल्कुल सही कहा, इन्हें जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। सर बाय एनी चांस लॉगिन हो रहे आईपी एड्रेस को हम 10 मिनट ब्लॉक कर सकें तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि एड्रेस कहां से ऑपरेट हो रहा है, और तब हम आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उस तक पहुंच पाएंगे। दिस इज आवर ओनली वे सर। मुझे क्या कर रहा है? अरे किसी भी तरह दरवाजा खोल। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके दरवाजा खोलता हूं। अरे किसी भारी चीज से दरवाजा खोल दे। मिला क्या? मिल गया सर, मिल गया। अरे जल्दी खोल दरवाजा। अरे डरिए मैं सर, दरवाजा खोल। अरे अगर मैं बाहर आ गया तो जान से मार दूंगा। टेंशन मत लीजिए सर, तू कर क्या रहा है? हाँ सर। अरे सर मैं काम थोड़ी ना गुजार रहा हूँ, आपको बचाने के लिए चारों तरफ रास्ता ढूंढ रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर। सर कुछ कीजिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुभाष से बात करके देखूं क्या। ओके सर। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सुभाष, इतनी क्रूरता से हत्याएं किए जा रहे हो। तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही है। मैंने वादा किया था सर कि मैं इन अपराधियों को खुद इनके पिता के हाथों से ही मरवाऊंगा। बस अफसोस इस बात का है कि रेप और मर्डर करने वाले इन कमीनों को मैं खुद अपने हाथों से नहीं मार पाया। इसका मलाल है मुझे। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम मेरी कस्टडी में हो, यह बात याद रखना। मैं जानता हूं मैं तेरी कस्टडी में हूं, और यह भी जानता हूं कि तेरी कस्टडी में मैं सेफ हूं। अनीता भी सेफ है, और तू हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी मैं जानता हूं। हे, क्या बकवास कर रहा है तू? देख तेरी बेटी अब जवान हो गई है, अगर बाजार में उसका कोई वीडियो वगैरह आ जाए। सुभाष, अपनी बेटी पे आ गई तो तूने हाथ उठा लिया, दूसरों की बेटियों से तुझे फर्क नहीं पड़ता। हे, सर, बता मेरी बेटी के साथ क्या मैंने किया? क्या किया? मैं तेरी कस्टडी में हूँ, लेकिन तू 10 मिनट में घर नहीं पहुंचा ना तो हमेशा के लिए बेटी को भूल जा। क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? क्या किया सर? सिर्फ 10 मिनट। सुभाष, क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? यस, गॉट द एड्रेस सर, गॉट द एड्रेस। गिव मी द एड्रेस। बिल्डिंग नंबर 11, नियर सिटी मॉल, OMR। Thank you.
घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? बोलिए तो सही। आप इतने टेंशन में क्यों हैं? अबू, तुम्हारा फोन कहाँ है? पापा, अरे तुझे फोन किया तो तू फोन नहीं उठा रही है। तुझे फोन किया तो नॉट रिचेबल आ रहा है। क्या कह रहे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पापा, दिस गेम इज क्राइम। डू यू वॉन्ट द पार्ट ऑफ दिस किलिंग? छोड़ो इसे खेलना। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। पापा, इस वीडियो में जो लड़की है उसकी जगह मैं होती तो क्या आप उसे छोड़ देते? पापा, जस्ट वन ऑनेस्ट आंसर डैडी। अबू, अबू, बेटी रुको, हमारी बात तो सुनो। तुम्हारे इंक्रिप्शन को हमने डिकोड कर लिया है। सिक्योरिटी को लॉगिन करके क्या तुम्हारे गेम को 10 मिनट के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते? तुमने इतना ब्रिलियंट प्लान बनाया तो 10 मिनट का लूप होल नहीं देना चाहिए था। ऑपरेशन इज अ सक्सेस बट पेशेंट इज डेड। शिट, इस सिस्टम को भी हैक कर लिया गया है सर। सर, यहां से किसी को हिलने मत दीजिए सर। ध्यान रहे कोई भी उस बॉक्स के पास ना जाने पाए। दीपक, 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 दीपक। सर, मैं भी यहाँ हूँ। सर, दीपक, सर, दीपक, सर, सर, अरे जल्दी अंदर आओ। सर, दीपक, सर, दीपक, सर, चलो क्या यह समझ कीजिए। रेप केस से जुड़े रेपिस्ट के और वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो बनाने वाला शख्स एक अजनबी है। जल्दी वो वीडियो डिलीट कर। अपने नंबर से जल्दी। हाँ बोल। कौन इसे? अरे चिल्ला क्यों रहा है यार? अब तक लाखों लोगों ने इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया है। पुलिस उस आदमी की खोज में लगी हुई है जिसने ये वीडियो बनाया है। अभिजीत, अभिजीत, कहाँ तुम? अभिजीत, ओए, ए, कहाँ जा रहा है तू? हाँ, ए, अभिजीत कहाँ है? बिजनेस में शोहरत कमाने में 30-35 साल लग गए।
लेकिन अब उस बिजनेस और शौहरत को बचाने के लिए सिर्फ 2 मिनट है तेरे पास। तुझे तेरे बेटे की जान प्यारी है या सोसाइटी में तेरी इज्जत प्यारी है, ये फैसला तुझे ही करना है। इसे रोक। समझ गया ना तू? कहा रहा है इसे रोक? ये सब मेरा काम नहीं है, लेकिन तू चाहे तो रोक सकता है। इस बटन को प्रेस करेगा तो रुक जाएगा। आजा। डैड, 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 मुझे बचाओ। आखिरी बार तुझे एक अच्छा बाप बनने का मौका दिया था, वो भी मिस कर दिया। लेकिन तेरी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। अपने बेटे की परवरिश तो सोच समझ के की थी और उसे मारा भी सोच समझ के। कहना चाहेंगे सर? कानून अपना काम करेगा।